विदिशा में हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया, किले अंदर पेड़ी चौराहे पर 8 साल पहले जब ओवरब्रिज बनाया जा रहा था, तब एक प्राचीन पेड़ को धराशायी किया गया था। उसमें मौजूद प्राचीन देवी माँ की प्रतिमा को भी वहाँ से हटा दिया गया। उस वक्त भरोसा दिलाया गया था कि माता की मूर्ति को अलग स्थान पर विराजमान कर मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन 8 सालों तक उस पर कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ती दिखाई दी। इसके अलावा उन्होंने ज्ञापन के जरिए विदिशा शहर के तकरीबन 50 मकबरे और मज़ारों का जिक्र करते हुए उनकी जांच की मांग की है।